नमस्कार। तो आज यहाँ पे हम रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक के बारे में जानने से पहले आप लोग कोई भी स्ट्रैटेजीज, इंट्राडे स्ट्रैटेजीज, बैंक निफ्टी रिगार्डिंग इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको स्ट्रैटेजीज की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाके देखोगे तो 7-8 स्ट्रैटेजी आपको मिलेंगे जो कि स्टॉक्स और यहाँ पे बैंक निफ्टी निफ्टी में काम आते हैं, जिसमें इंट्राडे और पोजिशनल स्ट्रैटेजीज है। तो देखते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में आज रिलायंस कम्युनिकेशन को लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आ चुका है, जो कि आज गैप डाउन से ओपन हुआ स्टॉक। जैसे ही ओपन हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक को यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग का रेजिस्टेंस लगता हुआ नजर आ चुका है। जैसे कि आप कई बार यहाँ पे आप देख सकते कि हमने बताया था कि रिलायंस कम्युनिकेशन में उछाल आती है तो आप की पोजीशन फंसी हो तो निकाल के आप अच्छे खासे कोई भी स्टॉक में निफ्टी फिफ्टी या अच्छे फंडामेंटल स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसमें पैसा काफ़ी दिन फंसा रहेगा, उसमें आपको अच्छे स्टॉक्स में यहाँ पे रिटर्न भी मिल जाते थे। तो रिसेंटली यहाँ पे हम देख सकते कि रिलायंस कम्युनिकेशन अभी थोड़े दिन अपर सर्किट लगा, फिर से अभी लो सर्किट लगना चालू हुआ है। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते कि अच्छी वोलेटिलिटी नहीं, अच्छी खबर नहीं आती तब तक ये स्टॉक के ऊपर की तरफ जाने से नहीं जा सकता। मार्केट कैप जो है, काफी सारा सेलिंग प्रेशर भी है इस स्टॉक के ऊपर। मार्केट कैप 354 करोड़ का है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि, और पी रेशो काफ़ी ऊपर है। चार्ट भी देखोगे तो देख सकते कि कल तक एक तेज़ी दिखती, आज गिरावट देखने को मिले स्टॉक के अंदर। चार्ट के ऊपर भी नज़र डाली जाए, सॉरी यहाँ पे फंडामेंटल तो पी रेशो का नहीं है, यहाँ पे देख सकते कि काफ़ी ऊपर का है। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो इस साल में 14,000 करोड़ का लॉस भी पाया है, और यहाँ पे सब फंडामेंटल नंबर्स आपको देखने हैं वो चेक कर सकते हो यहाँ पे। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग रिलायंस कम्युनिकेशन।